नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पाकिस्तान से लौटी भारतीय बेटी गीता। 15 साल पहले भटककर सरहद पार पाकिस्तान पहुंच गई 8 साल की मासूम मुकबधिर बच्ची आज 23 साल की युवती गीता के रूप में अपने वतन लौट आई है। कराची से आज सुबह गीता को दुल्हन की तरह रवाना किया गया और वह लाल जोड़े में तोहफे के साथ दिल्ली पहुंची। पाकिस्तान में उसे सालों से पनाह दे रहे स्वयंसेवी संगठन ईडी फाउंडेशन के 5 प्रतिनिधि भी उसके साथ आए हैं, जिन्हें भारत सरकार के मेहमान का दर्जा दिया गया। पाकिस्तान उच्चायोग आज शाम को गीता को भारत को सौंपेगा। उससे पहले उसका डीएनए टेस्ट होगा, जिसका मिलान बिहार के सहरसा गांव के जनार्दन महतो से किया जाएगा, जो गीता को अपनी खोई हुई बेटी बताने का दावा कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार भारत में वनडे श्रृंखला जीती। दक्षिण अफ्रीका ने मुंबई में 5वें और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 214 रन से करारी शिकस्त देकर 5 मैचों की श्रृंखला 3-2 से जीत ली। यह पहला प्रसंग है जब दक्षिण अफ्रीका ने भारत में कोई वनडे सीरीज जीती हो। इस मैच में मेहमान टीम की तरफ से 3 शतक लगाए गए। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट खोकर 438 रनों का पहाड़ खड़ा किया। जवाब में भारतीय टीम 35.5 ओवर में 224 रन पर ही ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका के लिए सलामी बल्लेबाज डिकॉक ने 109, डुप्लीकेस ने रिटायर्ड हट होने से पहले 133 रन और कप्तान एबी डिविलियर्स ने 119 रन बनाए, जिसमें 11 छक्के शामिल थे। स्टिंग ऑपरेशन में जदयू विधायक ने ली 2 लाख रुपए की रिश्वत। बिहार के पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा के बाद एक अन्य स्टिंग ऑपरेशन में जदयू के कुर्था से पूर्व विधायक सत्यदेव सिंह को एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का सनसनीखेज मामला वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर जारी स्टिंग ऑपरेशन में सत्यदेव सिंह को पटना में विधायक क्वार्टर की छत पर एक अज्ञात व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक से जदयू के सत्ता में आने पर उन्हें मदद करने के एवज में 2 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर लेते हुए दिखाया गया है। वीडियो में सत्यदेव उक्त व्यवसायी से 5 लाख रुपए की मांग करते दिखाई दे रहे हैं।